हाय, आज मैं क्लास 12th का छोटा सा एक टर्म को डिस्कस कर रही हूँ। ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरिल्स चैप्टर्स का एक छोटा सा टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ हाइलोजन एटम्स। हाइलोजन क्या होता है? आपको हाइलोजन ग्रुप जानते ही हैं। हाइलोजन ग्रुप जो है आपका 17 ग्रुप का है, राइट? 17 ग्रुप्स के हैं, जो आपका आता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एटी। ओके, ये है आपके हाइलोजन ग्रुप्स। ओके, हाइलोजन, पर ये हाइलोजन जब एल्केन्स, कोई भी एल्केन के साथ हो, एल्केन का फॉर्मूला आपका क्या होता है? CnH2n+2, ये आपका एल्केन्स होते हैं, राइट? जैसे कि C2H6। जैसे मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँगी, तो यहाँ आपका C2 और H5 आ जाएगा। उसके बाद जब इस पे हाइलोजन का अटैक करवाऊँगी तो ये हाइलोजन इस तरीके से आ जाएगा, तो ये C2H5 हो गया, मोनो हेलो एल्केन्स इसे कहेंगे। उसके बाद फिर CH2 यानी C2H4, इसमें दो हाइलोजन्स आ गए क्योंकि दो कार्बन हैं, दोनों कार्बन पे गए। इसमें तीन कार्बन हैं, तीनों कार्बन पे गए। डाई हेलो एल्केन्स है, ये ट्राई हेलो एल्केन्स है, ठीक है? उसके बाद आपके हाइलोजन ग्रुप्स जो हैं वो आपके बेंजीन रिंग्स पे भी जाते हैं। बेंजीन रिंग पे भी सेम जाएंगे, इस पर कोई पोजीशन डिसाइडेड नहीं होता है। ये 6 के 6 कार्बन पे जा सकते हैं। इस पर पोजीशन हम डिसाइड तब करते हैं जब कोई नेम रिएक्शन या मतलब रिएजेंट डाल कर करते हैं, तभी ऑर्थो, पारा, मेटा, ये सब जो भी है वो सब का यूज करते हैं। पर यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन कोई डिनोट नहीं करते, इसे यानी कि नॉर्मल मैं इसको बता सकती हूँ। मतलब हाइलोजन ग्रुप्स इस 6 कार्बन पे कहीं भी आ सकते हैं। जब हाइलोजन ग्रुप बेंजीन रिंग पर एक हो तो उसको मोनो हेलो एरिन्स बोलते हैं, जब दो हो तो डाई हेलो एरिन्स, तीन हो तो ट्राई हेलो एरिन्स। ओके, बस ये आपका था नंबर ऑफ हाइलोजन ग्रुप पे ये डिस्कस हुआ है। ओके, बस आपको इतना ध्यान रखना है, हाइलोजन नंबर ऑफ हाइलोजन एटम्स। ओके, थैंक यू।